हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्डियम 2021 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का फोर्थ चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, यानी जो चैप्टर है आप लोग का नाखून क्यों बढ़ते हैं उनके निबंधकार कौन है, यानी उन उस चैप्टर को यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए जल्दी से कमेंट कर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिए सभी स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। चलिए निबंधकार कौन है जल्दी से कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग बता दें जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर इसका बी दिए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके निबंधकार जो हैं वह है यानी आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है, ऑप्शन है आलोचना, उपन्यास या कहानी या निबंध। चलिए दो का आंसर जल्दी से कमेंट कर बताइए सभी स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, आप लोग बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कहानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर बताइए, कौन सा रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। चलिए यानी चार ऑप्शन में से, यानी चार ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कौन ऐसा यानी चैप्टर है यानी कौन ऐसा पाठ है जो यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, माटी की मूरत, माटी की मूरत ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर बताइए कि द्विवेदी जी ने निर्जल यानी निर्जज, ठीक है, अपराधी किसे कहा है, नाखून को कहा है, चोर को कहा है, डाकू को कहा है या बदमाश को कहा है। तो फ्रेंड्स, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नाखून को कहा है ऑप्शन नंबर ए। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दिए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र जो है वो किसकी रचना है, ऑप्शन देखिए पतंजलि की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वात्स्यायन की या रा। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए पांच का आंसर, सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए कमेंट करते रहिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए थे पर वीडियो को लाइक कर दे सभी फ्रेंड्स। चलिए इसका राइट आंसर की हम लोग बात कर ले तो कामसूत्र किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दिए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर बताइए, शिक्षक का अर्थ होता है साबुन, महावार, दर्पण या मोम। चलिए छः का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, आप लोग बता दें इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मोम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत माता क्या है, उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पुराण है, महाभारत जो है वह पुराण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस देश में लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, किस देश में लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गॉड देश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जापान में। हिरोशिमा जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो जापान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर बताइए, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। चलिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट कर बताइए। तो फ्रेंड्स आप लोग बता दें, जितने भी स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर ए दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, यानी जो पाठ के लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1907, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है 1907 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, समस्ती बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन मनुष्य को आदर्श नहीं, यानी आदर्श नहीं बन सकती, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, शेरनी, बंदरिया, भालू या हाथी। तो फ्रेंड्स यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बंदरिया, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, तो बंदरिया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि देवताओं का राजा किस किन्हें संबोधित किया जाता है, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है, महादेव, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंद्र हो जाएगा, यानी देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है, तो इंद्र को, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नख किसका प्रतीक है, नख किसका प्रतीक है, मानवता, पशुता या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुता, नख किसका प्रतीक यानी पत्रिक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पशुता हो जाएगा, नख किसका यानी प्रतीक है, यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुता का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी राज रासो किसका संपादन है, यानी पृथ्वी राज रासो किसका संपादन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, सुमित्रा नंदन पंत, नलिन बिलोचन शर्मा। तो फ्रेंड्स यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वी राज रासो किसका संपादन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस यानी कौन सी उपाधि दी गई। चलिए 17 का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस यानी कौन सा उपाधि दिया गया था। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स आप लोग बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी दिए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वह कब पद्मभूषण उपाधि द्वारा सम्मानित किए गए थे, ठीक है। चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1957 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कि अशोक के फूल किसकी रचना है, अशोक की फूल किसकी रचना है, दिनकर की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या गुणाकर मूले की है। चलिए सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए कि अशोक के फूल किसकी रचना है। चलिए सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहां हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहां हुआ। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स आप लोग बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1979 यानी दिल्ली में, ठीक है, 1979 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। आप लोगों को यह याद रखना है, यानी लेखक का जन्म और मृत्यु आप लोगों को अच्छे तरह से याद रखना है। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, और यह एग्जाम में आपके पूछ सकता है क्वेश्चन कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है। चलिए कहानी है, कविता है, भाषण है, या ललित निबंध है। चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें सभी स्टूडेंट। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहें। तो फ्रेंड्स आप लोग बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है, तो ललित निबंध है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिए। कल फिर फिफ्थ चैप्टर करेंगे यानी 3 बजे हिंदी का, और फिर यानी सबसे पहला लाइव आएंगे लोग 11 बजे, और 11 बजे हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल का आज जो चैप्टर है परिवहन संचार और यानी व्यापार, उसको कंप्लीट कर लिए हैं, और कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।